आज तो अपनी धनों को छोड़ के किसी और बसंती में बैठ के हम लोग आज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आगे जब बसंती आएगी तब बताएंगे। पहले तो धनों को आज आराम करने दो और आगे आ रहे बसंती उसमें बैठ के जाएंगे। तो हम इस धनों को छोड़ के इस बसंती के साथ जा रहे हैं आज। आज निखिल के गाड़ी में बैठ के जाएंगे भाई। गाना चल रहा है। ओ थोड़ा सा बंद करो नहीं तो कॉपीराइट पड़ जाएगा। हाँ बहुत सही गाना बट कॉपीराइट पड़ जाएगा ना, क्या करे। अरांश हाउ आर यू? ये तुम लोग सुबह सुबह आने वाले थे 5 बजे, क्या हो गया भाई? निखिल ने झगड़े कर करके परेशान कर। झगड़ा क्यों ऐसे झगड़े कर रहा है? क्या मेरा दोस्त आजकल झगड़ा भी कर रहा है अपनी बीवी के साथ? ये तो नॉर्मल, यहाँ पे रखेंगे पानी। तो अभी हमारा प्लान था कि सुबह 5-6-7 बजे निकलने का प्लान था, लेट हो गया बट फिर भी उतना भी लेट नहीं हुआ क्योंकि आज संडे है। तो आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मैंने ऑलरेडी गूगल में देख लिया, 209 किलोमीटर लगेगा, 3.5 घंटा। आगरा जाऊंगा तो 3 घंटा, ये 3.5 घंटा। प्लान अभी तक पक्का नहीं है कि फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं कि नहीं। हाईवे में चलेंगे, खूब धमाल मचाएंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, पियेंगे, नाचेंगे गाएंगे, नाचेंगे यानी ऐसे घूम फिर के वापस आएंगे। सो फार सो गुड। ये फोटो दिख रहा है, ये देखो निखिल पहना है स्कर्ट अपना हाफ पैंट समझ के। वो भी किसका बोलो? वो भी किसका? अपने बीवी का ऑब्वियसली। गर्लफ्रेंड का स्कर्ट पहन लेता तो फिर तो आज तो हो गया था। सावन में लग गई आग। जय बजरंगबली। अभी तो जस्ट हाईवे भी नहीं आया, ये तो अपना शहर का रोड है, लिंक रोड। आजकल लिंक रोड बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा देख रहा था। चलो गाइस, यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए। गाड़ी चलो, अब मेरी गाड़ी टेस्ला बन जाएगी, ऑटोमेटिकली चलेगी। बट यहाँ पे 100 का स्पीड मैक्सिमम है, यहाँ पे चेक करने वाले कोई नहीं है। बट अगला जब ये आता है टोल आता है ना, वो लोग एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा गया तो उधर जाकर फाइन देना पड़ेगा। दिमाग में रखना है आगरा यहाँ से 200 नहीं 184 किलोमीटर। हाईवे मसाला, ये बार बार हम यहीं पे आ जाते हैं। सुबह से हमने कुछ खाना पीना किया नहीं, भूख बहुत लगा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ खाएंगे और सीधा निकल जाएंगे आगरा। आगरा में जाके क्या कर रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, अभी भी मालूम हो रहा है कि हम शायद ताजमहल जाएंगे उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो लेट्स सी। हवा करने में भीड़ लगी हुई है। चलो आलू पराठा आ गया, खा ले आलू पराठा आ गया। फोर व्हीलर का 120 रुपया कटेगा अभी। वैष्णो देवी कटा 120 रुपया यहाँ पे फास्टैग चालू हो गया। एक बार में पहले एक बार था कि जहाँ पे फास्टैग चल नहीं था पिछले बार जब आया था, अभी फास्टैग भी शुरू कर दिया है। तो फास्टैग है तो मक्खन जैसे निकल जाओगे फटाफट। तो आ गए टुक टुक गाड़ी में क्योंकि माइक्रोफोन खोलना पड़ता है, ट्राइपॉड स्टैंड खोलना पड़ता है, दोनों खोलना पड़ता है। तो दोनों खोलने के बाद और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग, और इस बार एक्चुअली अच्छा जगह पे गाड़ी पार्किंग किया क्योंकि ये वेस्ट गेट है ना। ईस्ट गेट पार्किंग में हमने गाड़ी रखा है, पिछले बार शायद वेस्ट गेट पे रखा था, बहुत दूर था। ईस्ट गेट एंट्री है ये, और आज तो ताजमहल फ्री है, एंट्री फ्री है। क्यों? आज शाहजहां और मुमताज का बर्थडे, जिसके वजह से आज दोपहर को 2 बजे से ही फ्री हुआ है और हम ठीक 2:15 को एंट्री कर रहे हैं आज। सो वी आर अ काइंड ऑफ लकी पीपल आज के एंट्री के लिए। चलो अंदर क्या करना, तुम लोग तो पहली बार आ रहे हो। अंश के लिए तो फर्स्ट टाइम है, अंश का पहली बार है, हमारे लिए सेकंड टाइम है, आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे सेकंड टाइम है। तो देखो कैसे भीड़ है आज,
आज एक्चुअली ना ये फ्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ। उधर पुलिस अंकल बोला नो 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 नो, शाहजहान को छूना नहीं है। चारों तरफ खचाखच भीड़ है और दे नॉट अलाउइंग एट ऑल टू गो। फाइनली हम ऊपर तक तो पहुंच गया, बट इतना लोग है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा कैमरा तोड़ के फेंक के निकल जाएगा। और अंदर जाने का भी मन कर रहा है बट पता नहीं कैसे जाएंगे, कितना लोग लाइन पे है। सो एक तरह से अच्छा है कि आपका 250 रुपया बच गया आज का जो ये है फीस, क्या बोलो, एंट्री फीस है, एंट्री टिकट है, बट उससे ज़्यादा हो गया, लोग भाग ज़्यादा हो गया। तो मैं इस कैमरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 360 में दिखा रहा हूँ, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। फाइनली सैड टू से कि इतना भीड़ है, इतना बड़ा लाइन है, तो हमने कैंसिल कर दिया अंदर जाने का, बिकॉज अंदर जाना मतलब बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर से कोरोना का टाइम है एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज क्योंकि फ्री का चक्कर है, तो हम फिर कभी आएंगे, बिकॉज हमारे लिए तो बहुत पास है। यहाँ से चलते हैं फतेहपुर सीकरी, जो हमने देखा नहीं है पिछले बार, तो वैसे भी आप लोगों को दिखा दिया था इस ब्लॉग में अंदर ताजमहल के अंदर क्या है और क्या क्या देखने के लिए है। अगली बार कभी फिर आएंगे, अभी चलते हैं फतेहपुर सीकरी, बहुत ज़्यादा रश है और वेटिंग पीरियड तो पता नहीं वेटिंग पीरियड कब तक होगा आज। तो उससे अच्छा है ऐसा जगह पे चलते हैं जहाँ पे हम पहले कभी नहीं गए। अंश को हल्का सा मूड ऑफ हो गया, बिकॉज अंश के लिए पहली बार है, बाकी सब ने देख लिया है, तो कोई बात नहीं, वीकडेज में कभी फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ, वी विल वंस अगेन कम बैक, इशू नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ से और क्या, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, वही तो यहाँ से लाइन स्टार्ट है, पता नहीं कितना सुनो, हाँ ऐसे करके घूमेंगे के साथ साथ, हाँ करेक्ट, यहाँ से एंट्री है, तो कम से कम कुछ है तो 2-10 हज़ार लोग होगा यहाँ पे, और खास करके बिना मास्क का तो इट्स नॉट सेफ। तो मैं मास्क पहनता हूँ और सीधा मिलता हूँ फतेहपुर सीकरी। समोसे अच्छे दिख रहे हैं ना, बट पता नहीं ना उसमें समोसे खा के चला फिर पूरी गाड़ी में, तो मत खाओ, तुम्हारा पेट ठीक नहीं होना। हाँ, निकल का पेट ठीक नहीं है, बेचारा निकल आएगा, मैं तो वैसे भी नहीं खाएगा ऐसा निकल वैसे बदनाम हो गया। अबे किसने बोला था भाई यहाँ आने के लिए, किसका प्लान था साला, जूता मारो उसको निकाल के अभी। देखो मैं तो बोला था फतेहपुर सीकरी सुबह सुबह चलो, ये आगरा का चक्कर, आगरा बोल रहा हूँ, ताजमहल का चक्कर मैं नहीं था, ताजमहल में इतना फ्री कर दिया कि पहले फतेहपुर सीकरी चलो।